सुशांत सिंह राजपूत के लिए आज भी बॉलीवुड क्या बोल रहा है, आज भी बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज अभी जाके बोले हैं, लेकिन क्या बोले हैं और किस तरह से बोले हैं ये मैं आपको बताता हूं। और किस तरह से इसको बॉलीवुड की तरफ से एक टारगेट किया जा रहा है और वो लोग कौन है। कई सारे तो ऐसे लोग हैं जो सुशांत के बहुत अच्छे करीबी दोस्त थे और लास्ट तक भी थे कुछ लोग, मतलब आखिरी तक, एंड में तक नहीं, लेकिन फिर भी बहुत संत थे ऐसे जिन्होंने डायरेक्टली बोल दिया सुशांत के बारे में कि सुसाइड है, वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं आज मैं बताऊंगा और किस तरह क्यों बोला उन्होंने और सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा आपको और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन प्लीज आगे बढ़ने से पहले प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो ताकि ये चीज बॉलीवुड के पास भी पहुंचे, लोगों के पास भी पहुंचे कि नहीं, लोग बेवकूफ नहीं है जो आप कुछ भी बोलोगे और हम मान लेंगे, ये जरूरी नहीं है। हम आपको बताएंगे कि सच क्या है और दुनिया को पता है सच क्या है। यहां तक कि मैं आपको सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूं, मेरे घर में मैं जिसका भी घर में हूं अभी, लेकिन उसके घर में एक मेड आती है, वो सीधा बोलती है कि नहीं सर आप तो सुशांत का मर्डर ही है, सुशांत का सुसाइड हो ही नहीं सकता, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। यहां तक कि उसने बोला कि सर मोदी को सपोर्ट ही मत करो, मोदी इंसाफ नहीं कर रहा है। मतलब ये बातें नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी जानते हैं, मैं उनको अच्छे से समझाया नहीं, हम साथ में हैं और मोदी जी का देखते हैं क्या है, तो मोदी सपोर्ट नहीं करेंगे सुशांत को, तो मोदी को भी हम सपोर्ट नहीं करेंगे ऑफकोर्स। लेकिन बात यहां पे है कि कौन क्या बोल रहा है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा सुशांत सिंह राजपूत की पहली फिल्म काई पोचे फिल्म में अमित सद एक एक्टर थे, उनको सुशांत के साथ ही ब्रेक मिला था और बहुत बढ़िया एक्टर है। एक्टिंग के बारे में, अमित सद के बारे में आपने देखा है, काई पोचे में भी बहुत अच्छी एक्टिंग की और बाकी भी बहुत सारी चीजें एक्टिंग किया। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और अभी फिलहाल उन्होंने ये भी कहा है बहुत सारी चीजें कि जब जिंदगी खराब हो जाती है, इंसान का दिमाग खराब हो जाता है जब उसकी बुरी हालत होती है, एग्री, ये मैं मानता हूं, लेकिन दिमाग उनका खराब होता है जो हल्के, मतलब जिंदगी को शायद इतना सीरियसली ना लेते हो, या फिर फर्क जरूर पड़ता है सबके ऊपर, वो फिर माइकल जैक्सन हो या सुशांत हो या मैं हूं या आप हो, अमित सिंह जी या कोई और हो, बुरा टाइम आता है तो फर्क तो जरूर पड़ता है, लेकिन इतना फर्क सुशांत के ऊपर नहीं पड़ता था कि वो अपनी जान ले ले। लेकिन जब उन्होंने ये भी कहा साथ में कि ड्रग्स और ये सब चीजें बुरा टाइम पे आते हैं लेकिन मैं इससे बच गया, सुशांत नहीं बच पाया, मतलब उन्होंने दोनों चीजें सुशांत के ऊपर डाल दी कि वो सुशांत ड्रग्स भी लेता था और उसने सुसाइड भी किया, ये चीजें अमित सद ने बोली है, लेकिन वो इससे बच गए और वो सुसाइड भी करने की ट्राई कर रहे थे लेकिन वो इससे बच गए। अमित सद के बारे में मैं और एक दूसरा वीडियो बताऊंगा जिसमें उन्होंने कोशिश की है सुशांत को बचाने की, लेकिन अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं यहां से मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि सुशांत का बुरा टाइम आ गया था, बुरा टाइम मुझे तो नहीं दिख रहा था, हाँ ऑफकोर्स फिल्में छीनी जा रही थी, लेकिन अगर आप मेरा पहला इंटरव्यू देखोगे तो उसमें मैंने क्लियर कट बताया कि उससे 100 लड़कियां अलग चली जाए, उसको 100 लड़कियां छोड़ के चली जाए, 100 फिल्में उससे छीन लो, सारे पैसे उससे छीन लो, लेकिन वो सुसाइड नहीं कर सकता, ये गारंटी है। अब उसके बाद अमित सद पूरे कायपोचे फिल्म की शूटिंग मेरे साथ 3 महीने के आसपास चली थी और एडिटिंग ये वो सब चीजें करते करते काफी टाइम लग जाता है, तो 6-7 महीने जिसके साथ बिताए हो वो ऐसा क्यों बोल रहे मेरी समझ के बाहर है। लेकिन उन्होंने कहा यही है कि मेरा भी बुरा टाइम आ रहा था, मैं भी ड्रग्स का आदि हो सकता था लेकिन सुशांत की तरह मेरा ड्रग्स का आदि नहीं हुआ, मैं भी सुसाइड करने वाला था लेकिन सुशांत की तरह मैंने सुसाइड नहीं किया, ये अमित सद है। और यहां मैं ये बोल रहा था, मैं अमित सद को बुरा नहीं बोल रहा हूं लेकिन ये गलत है पूरी की पूरी तरह अमित सद जो बोल रहे। लेकिन मैंने ये बोला था कि मैं सुशांत का दोस्त हूं, मैं सुसाइड करने वाला था लेकिन सुशांत ने मुझे बचाया, सुशांत ऐसा नहीं कर सकता। देखिए स्टेटमेंट में कितना डिफरेंस है, मैंने ये कहा था कि मैं अल्कोहल ड्रिंक करता था लेकिन सुशांत मुझे रोकता था तो वो ड्रग्स कैसे ले सकता है। इससे डिपेंड कि आप अपने दोस्त को किस तरह से बताते हो, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये बिल्कुल यहां नहीं कह रहा हूं कि अमित सर उसके दोस्त नहीं थे, लेकिन अब ये ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रहे मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्त ये होता है कि बोलना चाहिए, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं लेकिन ये बात सच है, यही बोलना पड़ता है, इस तरह से बोलना पड़ता है। दूसरी बात, दूसरे इंसान है हनी सिंह। अब हनी सिंह के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, आप सबको भी पता है कि बीच में वो ड्रग्स के शिकार हो गए थे, वो खुद रिहाब सेंटर गए थे और उसके बाद वहां से वापस आए और फिर भी काम करने की कोशिश कर रहे, और वो पहले जो दबदबा था वो आज नहीं बन पाया, ये बात भी फैक्ट है। लेकिन हनी सिंह एक अच्छे सिंगर है और मैं मानता हूं उनको, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं भी सुसाइड करने के चक्कर में आ गया था लेकिन मैं सुशांत की तरह
नहीं किया, मैंने बच गया। तो इस तरह से एक एक करके लोग आ रहे और ये बोलना चाह रहे कि सुशांत ड्रगिस्ट था और सुशांत ने सुसाइड किया, ये वो बोलना चाह रहे हैं और ये यही बात को हम डिफेंड करते हैं। मेरी इसी बात पे तो सारी की सारी बहस है एनसीबी के साथ कि एनसीबी ने ऐसा बोला कि वो अपनी वेबसाइट पे कि सुशांत ड्रग लेता था, और एनसीबी ने सीबीआई को स्टेटमेंट ऐसा क्यों दिया कि जब सीबीआई ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं मांगा था सुशांत से रिलेटेड, सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से रिलेटेड स्टेटमेंट मांगा था, लेकिन एनसीबी इतनी होशियार है कि उसने सुशांत के बारे में भी ये बोला कि सुशांत जिंदा नहीं है, अगर वो जिंदा होता तो हम उसको भी अरेस्ट करते। वाह रे वाह, इसीलिए तो मैंने कहा था कि हमने एनसीबी कभी मांगी नहीं, और सारी की सारी मेरी बहस एनसीबी के इसी के ऊपर तो है कि सुशांत को ड्रगिस्ट बोलने वाले तुम होते कौन हो। चलो, मेरा जो कहना है एज ए फ्रेंड मैं कहता हूं, और एज ए सुशांत सिंह राजपूत के फैन आपको जो कहना है आप बिल्कुल कह सकते हैं। ऐसे वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो, और जितना ज्यादा शेयर करोगे लोगों को पता चलना चाहिए कि सच क्या है, सुशांत ऐसा नहीं था, सुशांत ऐसा नहीं कर सकता। वी वॉन्ट जस्टिस एंड जस्टिस फॉर SSR।